में एक ही प्रश्न है और वो प्रश्न है कि मनुष्य को चिर शांति और आनंद कहां से मिलेगा। धन पाकर पद पाकर हमने लोगों को बौराते देखा है। जिस चीज के लिए व्यक्ति पागल होता है उसी चीज के लिए छुटकारे के उपाय भी सोचता है। जो पा लिया है उसके प्रति चित्त में उपेक्षा आती है। अगर धन ही सुख का आगार होता, सुख का केंद्र होता, तो बहुत सारे धनपति वो हताशाओं में क्यों जीते, क्यों डिप्रेशन के शिकार हैं, बड़े बड़े उद्योगपति। अगर पदों से पूर्णता थी तो फिर क्या है जो हमारे चित्त के अंदर अधूरापन हमें दुखी करता है। सब कुछ होकर भी ये अधूरा क्यों है, क्योंकि पूरे के साथ नहीं जुड़ा। पदार्थों से सुविधा मिलती है, पदार्थों से सुख नहीं मिलता। सुविधा और सुख में फर्क होता है। आप एयर कंडीशन में बैठे हैं, ये सुविधा है। आपका तन शीतल हो रहा है, ये सुविधा है। पर आपका मन भी शांत और शीतल है, ये जरूरी नहीं है। अंतर बाहर तीन तापों का शमन हो जाए, वो है ये भागवत कथा, जिसको श्रवण करके।